परमेश्वर योग्य बना रहा है। ये नया दिन है और आप नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस योग्यता का प्रकाशन प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में लाया है। और मैं आपसे कहता हूं कि मत डरो, खड़े हो जाओ, दृढ़ खड़े रहो और परमेश्वर का उद्धार देखो जो वो आपके लिए करेगा आज ही के दिन। देखिए, मूसा कुछ अलग किस्म का प्रचार कर रहा था। ऐसा प्रचार तो उन्होंने पहले किसी से नहीं सुना था, किसी ने उन्हें आकर प्रोत्साहित नहीं किया था। ये लोग तो आकर उनसे कह रहे थे, ठीक है आओ, अभी पैकअप करो, यहां से चलो, चलो चलते हैं। इसे सुनिए, तू हमें मिस्र में से निकालकर यहां जंगल में क्यों लाया है? देखिए उन्होंने क्या कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने ऐसा क्यों किया? तू हमें मिस्र देश से क्यों निकाल कर लाया? हमें वहीं रहने देता, हमारी असफलता में रहने देता, हमारी परिस्थिति में रहने देता। मुझे याद है एक बार जब मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, और उन्हें ये सब बातें बता रहा था, और हमारी बातें मानो चर्चा बहुत गर्म हो गई। फिर मैं उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गया और बरोटा और चॉप्स ये सब उन्हें खिलाया। जानते हैं ये लगभग 25 साल पहले की बात है। और मैंने भी कुछ मंगवाया लेकिन उसे नहीं खाया क्योंकि बोलने में बहुत ही बिजी था। और जब वो खा रहे थे मैं बता रहा था, फिर उसने कहा, सैम मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, कृपया मैं जैसे हूं वैसे मुझे जीने दो और मरने दो। इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन बात तो ये है कि वो ऐसे ही रहना चाहते हैं, देखिए इसी तरह का जीवन जीना चाहते हैं, वो अपनी परिस्थितियों में ही जीना चाहते हैं क्योंकि वो इन्हीं चीजों के साथ जीते आए हैं। लेकिन अब छुटकारा आ गया है, कोई उन्हें अब्राहम की आशीष के बारे में याद दिला रहा है, उन्हें कहता है ये नया दिन है, चलो जागो आओ, आशीषित लोग हो तुम, योग्य हो। तुम लोग यहां पर बैठकर क्या कर रहे हो? अपनी योग्यता का उपयोग करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, बाहर निकलो। वचन 12 को सुनिए,
क्या हमने तुझसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की ही सेवा करने दे? मैं इसे एक वाक्य से ही कह सकता हूं कि मूसा को उन्हें बाहर लाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। वो उन्हें लंबे समय से प्रचार कर रहा था और वो वहीं रहना चाहते थे। वो इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। वो सामर्थ्य पाकर बेहतर नहीं होना चाहते थे, वो उसी में रहना चाहते थे, उसी में। और ये अच्छा होता कि हम जंगल में मरने के बजाय मिस्रियों की सेवा करते और वहीं पर मर जाते। फिर वो ये बात बार बार कहते हैं। देखिए, अब ये बात सच है जो याकूब कहता है, सच कहता है, जीवन की कुंजी तो जीभ है। ये केवल याकूब में ही नहीं है, परंतु बहुत सी जगह पर इसे लिखा गया है। याकूब 3 कहता है, बड़े जहाज को देखो, ये तो छोटी पतवार से पलटाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जीभ पूरे जीवन को पलटा देती है। ये कहता है, घोड़े को देखो कि कैसे घोड़े को चलाते हैं, मुंह के छोटे लगाम से ही, छोटी सी लगाम मुंह में लगी है, घोड़े पर नियंत्रण करती है, वो तेज चलाती है, दिशा बदलती है, बस थोड़े से प्रभाव से ही। ये जीभ के बारे में फिर से कहता है। फिर याकूब कहता है कि जीभ बुरी है। ये अद्भुत बात कहता है कि जीभ तो नरक की आग के जैसे है, वो कहता है। एक बात जो मुझे लगती है कि शैतान इसे लोगों से करवाता है, केवल विश्वास करो, विश्वास करो और इसे बोलो, अपने ऊपर विनाश कहो और असफलता खुद पर कहो, विश्वास करो और इसी में रहो ताकि वो नाश में ही रहें, हालांकि हम परमेश्वर के द्वारा योग्य बनाए गए हैं। देखिए, इसलिए याकूब ये सिखाता है, जीभ तो नरक के आग के जैसी है। हम अक्सर इसे घरों में होते हुए देखते हैं, हमारी परिस्थिति में होते देखते हैं, लेकिन इसे नहीं पहचानते हैं, जैसे कि जीभ एक आग है। नरक की ये जो आग वाली जीभ है, ये किस तरह सुनाई देती है। ये जीभ कहती है, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, जानते हैं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, अब मैं बहुत कमजोर हूं। ये केवल अपनी समस्या ही बताते रहती है। वो केवल वही बातें करते जाते हैं कि उनके लिए संभव नहीं है, इतना ज्यादा बोलते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। जीभ का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, जीभ उन्हें इतना नीचे गिरा देती है, बिल्कुल नीचे में। हम वही कहते हैं जो हमारे पास में नहीं होता है। हम हमेशा अपनी समस्या को ही कहते जाते हैं। समस्या को तो हर कोई जानता है, आप जानते हैं, तो हर समय आप इसे क्यों कहते जाते हैं? प्रभु पर भरोसा नहीं करते क्या? घर में खड़े होकर यह कहने के बजाय कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्यों ना कहें कि आओ परमेश्वर पर भरोसा रखे, हम दिशा क्यों नहीं बदलते जैसे हम कहते हैं? यह कितना मुश्किल है। ऐसा कहने के बजाय कि हमारे पास में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, हम डूब रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कश्ती नीचे जा रही है, जानते हैं, हम मुंह खोलकर ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों ना कहें कि आओ प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु भला है और हम इसे परमेश्वर की मदद से कर दिखाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु हमें झुकने नहीं देगा, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। यह मुंह से क्यों नहीं निकलता? क्योंकि शैतान जानता है यह स्वर्ग की आग नहीं चाहता है, वो निश्चित करना चाहता है कि वो नरक की आग वाले शब्द हम बोले, क्योंकि वो जानता है केवल उसे छोटा सा ही काम करना है, बस जीभ को छू लेना है और फिर वो व्यक्ति पूरा गलत दिशा में जाएगा, जानते हैं। देखिए, ये इसी तरह है और वो ऐसे बनाता है, इसीलिए पूरी पीढ़ी जंगल में ही मर गई। क्या आप विश्वास करते हैं? यीशु के बहुमूल्य लहू से खरीदे गए थे, छुटकारा पाए हुए लोग, लेकिन कभी नहीं सीखे उस योग्यता में चलना जिसे परमेश्वर ने उन्हें दी थी, कभी नहीं सीखे। श्राप में ही चल रहे थे, कमजोरी में ही चल रहे थे, केवल शक्तिहीनता में ही रहे, केवल हार में ही चलते रहे, परिस्थिति में ही चलते रहे, लेकिन कभी विजय में होकर नहीं चल सके, कभी असफलता को दूर करके विजय में चलना नहीं सीखे, इसे नहीं सीखा। श्राप का सिद्धांत मजबूती से उनमें काम कर रहा था। सभी जंगल में ही मर गए। क्या आपको याद है अगली पीढ़ी बेहतर थी? जब यहोशू दूसरी पीढ़ी में आया, आपको याद होगा कि वो यरीहो में गए, परमेश्वर ने उन्हें बताया कि कैसे इसे लेना है, तब वो कहता है ठीक है आओ यरीहो को 7 दिन हम चक्कर काटे, हर दिन हम यरीहो की दीवार के चक्कर काटे, हर दिन एक बार, और फिर 7वें दिन 7 बार इसके चक्कर काटे,
और उसने उससे कहा, जब तक मैं तुमसे न कहूं जय जयकार न करो, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, कुछ नहीं कहेगा, एक शब्द भी नहीं कहेगा, वो कहता है। दूसरे शब्दों में अपने मुंह पर जिप लगा लेना, एक शब्द भी नहीं कहना, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये कहने लगे कि यहां पर कहने के लिए 7 दिन हैं और ये बहुत हैं, ये सब बेकार हो जाएगा, सारा प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा। पहले दिन ही जब वो अपना घूमना शुरू किए तो एक व्यक्ति कहता है, हे सुनो, तुम्हें क्या लगता है यहोशू के बारे में? यहोशू अच्छा है क्या? तुम्हें क्या लगता नहीं कि ये मूर्खता है कि हम यहां पर एक दिन में एक चक्कर काट रहे हैं 7 दिन तक, और हर दिन एक चक्कर काटते हैं, और ये तो अन्याय है। यदि वो कहे कि हाँ तुम फावड़ा लो और कुछ लो और दीवार तोड़ना शुरू करो, तो इसका अर्थ होता है, ये कह रहे हैं कि दीवार के चारों ओर घूमो, दीवार के चारों ओर घूमने से क्या फायदा? और पीछे वाला व्यक्ति कहता है, हाँ मैं भी इससे सहमत हूं, जानते हैं, और मैं यही तो इनसे कह रहा था। और ये छोटी सी जो चिंगारी है मानो पूरे जंगल को जला देती है। इसीलिए ऐसा ही होता है, आग शुरू होती है और पूरे जंगल में फैल जाती है और सब कुछ उसके चपेट में आ जाता है और जल्दी ही एक ही चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता। और इसीलिए वो कहता है, जब तक मैं न कहूं अपना मुंह न खोलना, बिल्कुल चुप रहना। हेलो और उन्होंने आज्ञा मानी और कर दिखाया, और बाइबल कहती कि दीवार नीचे ढह गई जमीन पर, जैसे कि दीवार वहां पर वास्तव में पूरी जमीन पर गिर गई। जैसे एक भाई ने कहा, एक भाई ने लिखा कि ये दीवार जमीन के जैसी हो गई, वहां पर दीवार का पता ही नहीं था। दूसरे शब्दों में वो जमीन के अंदर घुस गई। उन्होंने सीखा, उन्होंने कहा, हे हम अपने पिता के समान नहीं मरना चाहते, उनके जैसा नहीं होना चाहते, आओ हम आशीष में चले, आओ सीखे कि हम इसे कैसे करना चाहिए, आइए हम इसे बर्बाद न करें। जानते हैं हम इतनी दूर से आए हैं, अब तक यहां पर पहुंचे, आओ इसे इस समय हम कर दिखाते हैं, और इसे कर दिखाया। और यही तो जकरिया के साथ हुआ। आपको आपको याद है जब इसे कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और कहा तुम्हें बच्चा होने वाला है, तो ये कहता है कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, क्या आपको नहीं लगता प्रभु आपकी उम्र जानता है? उसने स्वर्गदूत क्यों भेजा यदि वो उम्र जानता था? ये व्यक्ति अपनी और अपनी पत्नी की उम्र बता रहा है। परमेश्वर कहता मैं उम्र जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें योग्य बनाना चाहता हूं, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, जानते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं तुम्हें योग्य बनाना चाहता हूं, आशीष देना चाहता हूं, क्या तुम अपनी समस्या से बाहर आना नहीं चाहते? फिर वो कहता है, मुझे एक चिन्ह दे। तो फिर स्वर्गदूत कहता है, ठीक है, हम तुम्हें अच्छा चिन्ह देंगे, जब तक तुझे संतान ना हो तू बोल नहीं सकेगा, क्योंकि यदि तू बात करेगा तो कोई बच्चा नहीं होगा। तू बच्चे को जन्म लेने से रोक सकता है, केवल मुंह के द्वारा ही, मैं सोचता हूं। और मुझे ऐसे दिखता है कि अगर संतान नहीं हो रही है तो वो संतान होगी केवल मुंह को सही करने के द्वारा ही, हमें संतान हो सकती है, ऐसे दिखाई देता है। भारत में यदि किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो ये बड़ी समस्या है। बहुत से लोग आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि बच्चे हो, हमारी शादी के 10 साल हो गए हैं और चर्च में बहुत से चमत्कार हुए हैं, और हम सबको गवाही देने के लिए नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जानते हैं हर समय ये हर जगह होते जाते हैं, 9 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए शादी को, 8 साल हो गए। एक भाई यहाँ पर आए थे, डॉक्टर ने कहा आपकी शादी को 9 साल हो गए, अभी कोई आशा नहीं है, और मैं इस पर सिखा रहा था। वो वहाँ पर बाहर से आए और रविवार का दिन था, वो बैठ कर सुन रहे थे और इन बातों को उन्होंने सुना और टेप्स के द्वारा इन सारी बातों को सुनते रहे, वो बार बार इसे सुनते रहे और फिर उन्हें जुड़वा हुए, जुड़वा बच्चों को वो यहाँ पर लाए थे और हमें जुड़वा बच्चे उन्होंने दिखाए, और चमत्कार होते हैं। देखिए, अपने मुंह से चमत्कार मत रोकिए, मत रोकिए, जानते हैं प्रभु आपको योग्य बनाना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, प्रभु जीवन बदलना चाहता है, प्रभु योग्य बनाता है, शैतान गुलामी करवाता है,
वो आपको नीचे रखना चाहता है, नीचे गिराकर कमजोर करना चाहता है, और वो आपको अपने पैरों के नीचे रखना चाहता है और आपको नीचे ही दिखाना चाहता है। लेकिन प्रभु आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको आजादी देना चाहता है कि वैसे बने जैसे उसने आपको बुलाया है। तो वो कहता है तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं लोगों से कहता हूं जो वो प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आते हैं। मुझे लगता है कि जब वो हर प्रचारक के पास जाते हैं उनसे बस यही कहते हैं, हाँ प्रार्थना कीजिए, जानते हैं हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा है। सब लोग कहते हैं कोई बच्चा नहीं हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई बच्चा नहीं हो सकता है, अब कोई आशा नहीं है। तो मैं कहता अब से आगे, अब ये बात तो सही है कि पूरा शहर जानता है, हाँ, और आपके ससुराल वाले जानते हैं, सब जानते हैं, और डॉक्टर ने कहा है, आपने इसका अच्छे से इश्तिहार किया है। अब तुम शुरू करो, तुम जानते हो, तुमने इसे पक्का कर लिया है कि तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। मैंने कहा अब तुम अलग रीति से कहोगे, बाइबल कहती कि मैं तुम्हारे भोजन पर आशीष दूंगा, तुम्हारे बीच से बीमारी दूर करूंगा, और तुम्हारे देश में एक भी बांझ नहीं होगी। पूरे इसराइल देश में परमेश्वर ने कहा एक भी बांझ नहीं होगी। अब क्या यह सच है या नहीं? परमेश्वर ने कहा इस पूरे देश में कोई बांझ नहीं होगी। अब बेहतर होगा कि आप इसे ले ले और इसे कहने लगे घर में कोई बांझ नहीं होगी, मेरे घर में कोई बांझ नहीं होगी, यीशु के नाम में मेरे गर्भ का फल आशीषित होगा। बढ़ोतरी प्रभु की आशीष है, उसने कहा फलवंत हो इसलिए मैं फलवंत बनूंगी। देखिए बात तो यही है कि आप इस पर खड़े नहीं हैं, यही तो बात है कि आप इस पर निश्चित नहीं हैं। आप इस बात पर निश्चित हैं जो डॉक्टर ने कहा है, जो बाकी सब ने कहा है, लेकिन आप इस बात पर निश्चित नहीं जो प्रभु ने कहा है कि आपको क्या करना है। आपको वही कहना जो परमेश्वर ने कहा है। देखिए इस तरह की सचेतता मूसा इसराइल के लोगों में ला रहा था, उसने कहा तुम अब्राहम की संतान हो, अब्राहम के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उसने अपनी वाचा याद की है, वही वो परमेश्वर जिसने हमारे परदादा इब्राहिम को योग्य बनाया, अब्राहम को, उसी ने उसे आशीष दी, आशीष हमारे ऊपर है, हमें इस तरह नहीं रहना है। तुम उठो चलो एक अलग तरह का जीवन जियो। ये सारी बातें वो प्रचार कर रहा था, वो लोगों को सब छोड़कर वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था कि पैर की धूल झाड़ दें, इस देश से निकल आओ और पहचानो कि तुम कौन हो, और वो लोग बनो जो बनने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। हेलो, मेरे ख्याल से काफी लोगों को इस तरह से बुलाने की जरूरत है। वो बस ऐसे बैठे हैं और सोचते हैं, हाँ जानते हैं, जब मैं छोटा था तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें वो देश मिलेगा। तो मैंने सोचा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती वो मरने के बाद मिलेगा। फिर मैंने जाना कि परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। योग्यता मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात थी। हमारा परमेश्वर आपको गुलामी से आजाद करता है जिसमें शैतान ने आपको डाला है, आपको योग्य बनाता है कि आप अलग व्यक्ति हो जाएं जीवन के हर एक क्षेत्र में। यही तो, बस यही तो सच्चा विश्वासी होना है मेरे दोस्तों। परमेश्वर की सामर्थ आप पर आती है और परमेश्वर आपका मददगार है, इसीलिए आप जीवन के अलग स्तर पर जी सकते हैं। आमेन। देखिए जब यीशु इस पृथ्वी पर था वो आराधनालय में गया, उसने वहां पर एक स्त्री को देखा और कहा कि अब्राहम की बेटी इस तरह से 18 साल से झुकी हुई है, 18 साल से, और जानते हैं किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा, किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। यहां यीशु एक अलग तरह की सोच रखता है, वो कहता है कि अब्राहम की बेटी, इसका मतलब हे अब्राहम की बेटी चंगाई तो तुम्हारी आशीष है, परमेश्वर ने तुम्हें योग्य बनाया है, प्रभु ने तुम्हें योग्य बनाया। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें परमेश्वर की ओर देखना चंगाई के लिए, तुम्हें प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। जानते हैं अगर आप बीमार हैं तो प्रभु आपकी मदद करेगा, आप खुद को पीछे ना रखें। मतलब यही तो यीशु ने कहा, मुझे पसंद है जो यीशु ने कहा, पूरे संसार में जाओ सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगाई दो, बीमारों पर मेरे नाम से हाथ रखो और बीमार चंगे हो जाएंगे। उसने कलीसिया को चंगाई की सामर्थ बनाकर भेजा है। यही तो परमेश्वर की आशीष है कि चंगे हो जाएं। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आप पहले ही आशीष पा चुके, आप पहले ही योग्य हैं,
आपके पास परमेश्वर की आशीष है। बात यह है कि हम उतना अच्छा काम नहीं करते हैं कि उन बातों से लड़े जो हमें नीचे रखती हैं। सरकार जो करती है, फिर अस्पताल जो करते हैं और दूसरे एजेंसी जो करते हैं, वो हमसे बेहतर काम कर रही हैं। वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गरीबी के विरुद्ध में लड़ने में और बीमारी के विरुद्ध लड़ने में। वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि मनुष्य को ऐसा नहीं रहना चाहिए, मनुष्य बेहतर होना चाहिए, मनुष्य अच्छे से रहना चाहिए। वो इस पर विश्वास करते। हम इन चीजों से युद्ध करने में कमजोर हैं। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, उसे योग्य बनाता है कि वो वैसे हो जैसे वो चाहता है। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य जाति ऐसे स्थापित हो, ऐसी ही हो। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का प्रबंध किया है। हमें अलग तरह के प्रचार की जरूरत है। मैं इसके साथ खत्म करूंगा। वचन 13, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े हो जाओ और परमेश्वर के उद्धार को देखो जो तुम्हारे लिए वो करेगा। जिन मिस्रियों का आज तुम देख रहे हो, उन्हें तुम फिर कभी न देखोगे सदा के लिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप कभी उन चीजों को नहीं देखोगे जो आपको नीचे रखती हैं, कभी नहीं, हमेशा के लिए। यही तो अच्छी खबर है, यही तो अच्छी खबर है दोस्तों, यही तो योग्यता है, यही तो मसीह हमारे लिए करने के लिए आया है। गुलामी और ऐसी चीजें जो आपको पीछे रखती हैं, पीछे खींचती है, शैतान के ऐसे काम जिसने आपको नीचे गिराया है, नीचे खींचा है, ये बहुत से लोगों के जीवन में हुआ है। यही खत्म होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर योग्य बना रहा है। ये नया दिन है और आप नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस योग्यता का प्रकाशन प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में लाया है। और मैं आपसे कहता हूं कि मत डरो, खड़े हो जाओ, दृढ़ खड़े रहो और परमेश्वर का उद्धार देखो जो वो आपके लिए करेगा आज ही के दिन। प्रभु ने जो किया उस पर विश्वास करें दोस्तों। परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने जो छुटकारे में किया उस पर विश्वास करें। और आप ऐसी बातों को नहीं देखेंगे जो आपको नीचे गिराती हैं, फिर कभी नहीं देखेंगे। निश्चित करें कि आप इसे कभी नहीं देखेंगे। आप इन बातों पर पूरी तरह विजय पाएंगे अब से आगे। आमेन। क्योंकि आप केवल शरीर, हड्डी और लहू ही नहीं हैं, आप आशीषित हैं, आशीषित हैं, आप आशीषित हैं। आप केवल शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, आप आशीषित हैं। आप दिमागी व्यक्ति ही नहीं हैं, आप आशीषित हैं। आप केवल आत्मिक व्यक्ति ही नहीं हैं, जिसने केवल जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए उद्धार पाया है। आप आशीषित हैं, आप योग्य हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आप में योग्यता है, आप पर अभिषेक है, आप में कुछ ऐसा है जिसके बारे में संसार कुछ नहीं जानता है। और बात तो यह है कि प्रभु के लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। आप आशीषित हैं। You are the everlasting God. Shine your light through us, for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave, saved humanity. Sing it! Hallelujah! Jesus is. The hope of broken hearts.
Clap your hands, all we be.